मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 51.52 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण व लाभार्थी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त व दूसरी किस्त की राशि का बटन दबाकर ऑनलाइन हस्तांतरण किया। उन्होंने लाभार्थियों को आवास योजना की चाबी वितरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त की धनराशि हस्तांतरित किया गया है, जिसके लिए सभी लाभार्थियों को धन्यवाद देता हूं। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग बिना आवास के रहते थे। पीएम मोदी ने उनकी समस्याओं को समझा और पीएम आवास योजना के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, यह सरकार की सोच है। सबके घर में बिजली हो, घर में पानी, शौचालय हो, यह सब सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सदर सांसद रवि किशन, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विधायक महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा मंचा से बड़े भाई महाराज जी जय गिर
जनमानस के प्रति भाव बांटे कि हम और सब लोग के मालूम इनका भाव एक अभिभावक के रूप में, एक संत के रूप में, एक गुरु के रूप में, और वो हमेशा रहा है। जब भी मौका मिली मुझे महाराज जी के क्यों के गरीब बिटिया बहन बच्चा बाबा के क्यों के गरीब दुर्गा के कोनो जरूरत पड़ी तो महाराज जी बड़ा ही विश्वास विश्वास महाराज जी का उनके लिए हम ऐसे महाराज जी के प्रणाम कर उनके चरणों में वंदन कर हम चाहे हमारे पूज्य महाराज जी खातिर वो गड़गड़ा के ताली बजा दे सब लोग जितना माय बहन बच्चा लोग है सब लोग गड़गड़ा के ताली बजा दो। और एक बार बताएं ताली बजाने से अगर दिन में 300 बार ताली बजाते हो सब लोग वो वहां भी देख रहे हैं लाभार्थी हो सब लोग प्रसन्न रहो और कुछ पाए हो जो भगवान सोचिए पिछली सरकार में तो खाली जातवाद के नाम पे झुंझुना दे दिया जाता था लॉलीपॉप दिया जाता था अब तो सबको जो कह रहे हैं कि भैया जो कहर गई बा वहां मिला था कथनी गर्मी में ना मेरे मोदी जी के अंतर बार ना हमने पूज्य महाराज जी के तो ताली अगर दिन में 300 बार बजाते हो एक एक्सरसाइज बता रहा 300 बार अगर ताली बजाते हो ऐसे बजाओ सब लोग बजा ताली सब लोग बजाते रहो 300 बार बजाओगे खून पतला होगा हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं होगी 300 बार किसी को पहली किस्त कुछ लोगों को दूसरी किस्त और कुछ लाभार्थियों को तीसरी किस्त वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी लोकप्रिय सांसद रवि निषाद जी कितने लोगों ने रवि किसान के नाम लिखे लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है
इसके लिए आप सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अपना घर हो, हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है। और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो, घर में बिजली हो, घर में पानी उपलब्ध हो, घर में रसोई गैस का सिलेंडर हो, घर में राशन कार्ड भी हो। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने इतनी सारी योजनाओं को और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हो, किसी एक सरकार ने इतनी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया है, तो वह है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में महानगर के अंदर 43,600 प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 43,600 जिनमें से 35,500 के मकान बनकर के तैयार हो गए हैं, वहां पर भी लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है, गोरखपुर महानगर, पिपराई, पीपीगंज, चोरी चौरा, सैजनवा, इन सब का। पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184, और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये बढ़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को आवास उपलब्ध हो गए। आप सोचिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन चलाया, प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। इन लोगों ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किसी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। समाजवादी पार्टी ने भी नारे दिए, लेकिन वे नारे परिवारवाद और जातिवाद की सिकंजे में फंस करके भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी में इतना बड़ा था कि कुछ पूरा प्रदेश ही उसमें समा जाता था, और कारण था इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण, इन्हीं परिवारवादी लोगों ने, इन्हीं जातिवादी लोगों ने आपको शासन की योजनाओं से वंचित रखा, गरीब को न शौचालय दिया, गरीब को न आवास दिया, गरीब को न रसोई गैस का सिलेंडर दिया, गरीब को न राशन दिया, गरीब को न स्वास्थ्य बीमा का कवर ही दिया, और किसी भी योजना का लाभ किसी भी गरीब को नहीं देने दिया। और परिणाम था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। अगर जनता गरीब होगी तो प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता है, देश समृद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन सरकारों की कुनीति के कारण, कुशासन के कारण यहां की जनता गरीब है। और आप भाइयों की तरफ विकास की योजनाओं का, और इस सत्र में यदि प्रारंभ हो रहा है सैजनवा में अटल
आवासीय विद्यालय, गरीबों के बच्चे वहां पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है अत्याधुनिक शिक्षा, पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल में जिस प्रकार से अच्छी शिक्षा दी जाती है उस कार्य को भी वहां आगे बढ़ाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के शहर के जितने विद्यालय होंगे उन सब में पिछली बार मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा लेकर के फर्नीचर दिया था, इस बार ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सीएसआर का पैसा लेकर के उन सभी विद्यालयों में अच्छा फ्लोर दिया जा रहा है, बालक बालिकाओं में टॉयलेट दिए जा रहे हैं, अतिरिक्त कक्ष देंगे, लाइब्रेरी देंगे, अच्छा फर्नीचर देंगे और सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करके गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, स्मार्ट क्लास निर्माण होगा, इस प्रकार की सुविधा देने का कार्य होगा। विकास के सोच के साथ हम सबको जुड़ना होगा और याद रखना ये विकास ही सबका कल्याण करेगा। विकास की सकारात्मक सोच ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, प्रदेश को पहचान दिलाएगा और देश में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करेगा। आज उत्तर प्रदेश में अगर विकास के प्रति हम भी परिवारवाद जातिवाद के चक्कर में पड़ते क्या होता, विकास नहीं करा पाते। आज जिसमें दृष्टि नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, जो अपनी संकीर्ण मानसिकता से प्रसिद्ध हो वही व्यक्ति बोलेगा कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान ने जिसको दृष्टि दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है और जो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर ईमानदारी के साथ प्रदेश के हित में सोच रहा होगा उस हर व्यक्ति को प्रदेश के अंदर पूरा विकास दिखाई देगा, वो सबको दिखाई देगा। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सुरक्षित प्रदेश है, संगठित अपराध लगभग पूरी तरह समाप्त हुआ है, बेटियां सुरक्षित है, हर तबके का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, निवेश आ रहा है, भारी संख्या में निवेश, 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की नई संभावना को लेके निवेश आएगा, 2 करोड़ युवाओं पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की एक नई कहानी को कहता है और गोरखपुर में पहले यहां पर जो लोग उद्योग लगाए थे वे भागते थे, आज दुनिया के उद्योगपति गोरखपुर में उद्योग लगाने के लिए आना चाहते हैं। एक नहीं 4-4 विश्वविद्यालय आज के दिन में गोरखपुर में काम कर रहे हैं, शिक्षा का आधुनिक भाग गोरखपुर बनता है, महाविद्यालय है, इंटर कॉलेज है, कल हम लोगों ने इंटर कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के साथ 99 कॉलेज के जो सरकारी थे और सरकार गवर्नमेंट वाले थे उनके साथ संवाद बनाया, बहुत अच्छा संवाद, कल विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ भी मैंने उनकी समस्याओं के साथ बैठ करके उनकी बातें सुनी और सबने कहा कि साहब अब तो समस्या है ही नहीं, अब तो बिजनेस हमारा बढ़ रहा है, पूरा बिहार पूरा नेपाल भी व्यवसाय के लिए गोरखपुर में आता है, यहाँ से खरीद करके लेके जाता है, तो लाभांश तो गोरखपुर में प्रदेश में बढ़ रहा है। आप किसी ने हम लोग आया हमसे कहने के लिए ये विकास की सकारात्मक सोच है, इसके साथ हमें भी जुड़ना होगा और सोच में